हम बना रहे हैं मुल्तानी सोन हलवा, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है तकरीबन पूरी दुनिया में। ये कमर्शियल रेसिपी है बिल्कुल, जो कि हाफिज़ सोन हलवे वालों की तरह का इंशाल्लाह बनेगा ये। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है अंगूरी, इसको समनक भी कहते हैं, ये 25 ग्राम है। आटा, जो गंदम का आटा, जो चक्की वाला आटा होता है, ये वो है 150 ग्राम। मैदा ये है, इसके ये है 50 ग्राम। चीनी है ये 250 ग्राम। ग्लूको लिक्विड है ये भी 250 ग्राम। और इसमें जाएगी खुशबू के लिए छोटी इलायची, ये तकरीबन एक चाय का चम्मच होगा। और ये है टाटरी, जो कि हम जिससे हम दूध को फाड़ेंगे। ये दूध को फाड़ने के लिए हमें टाटरी चाहिए, तकरीबन आधा टीस्पून हमें यह टाटरी चाहिए। और ये है फिटकड़ी, जो कि हम इसके अंदर डालेंगे। और ये थोड़ा सा हम कप में पानी डालकर, और गार्निशिंग के लिए ये मेवे हैं अखरोट और बादाम, ये आप अपनी मर्ज़ी है जितने मर्ज़ी ले सकें। और इसमें जाएगा दूध 1 किलो। कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है, लेकिन अभी गैस हमने ऑन नहीं की है इसकी। और इसके अंदर हम ये मैदा और ये अंगूरी डाल रहे हैं, और साथ ही इसमें हम 1 कप पानी फ़िलहाल डाल के इसको हम घोलेंगे, और ऐसे घोलना है कि इसमें गुठलियाँ ना रहें। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इसको मिक्स करते रहें, ये ताकि एक हमने इसका पतला सा बैटर बनाना है। इसके अंदर देखें ये बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 कप पानी गया है। पानी में हमने इसको घोल लिया है, जमनक और मैदे को। अब हम इसके अंदर 3 लीटर दूध शामिल कर रहे हैं, ये फुल फैट दूध है, भैंस का दूध है। अभी इसके नीचे हमने चूल्हा नहीं जलाया है, अब हम इसके नीचे चूल्हा जलाएंगे। ऑन कर रहे हैं ये देखें, और इसके अंदर हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे बैठे ना और नीचे लगे ना। ये जब दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको दूध को फाड़ेंगे। ये अब दूध में हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहे, अब तकरीबन इसमें उबाल आने वाला है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे, और फिटकड़ी और टाटरी का जो पानी हमारे पास था वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी बच गया है और ये दूध मुकम्मल तौर पर फट गया है, पानी अलग हो गया है, दूध अलग हो गया है। अब हमने इसको पकाना है चूल्हा जला के। अभी तकरीबन हमारा ये 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इसको पकने में, जब तक ये इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता। तो अब इसमें ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चम्मच चलाते रहें। अब जब ये दूध फट जाए तो इसके अंदर हमने ये चीनी डालनी है। ये हमने इसके अंदर अब ये ग्लूको लिक्विड डाल देना है, हाथों को गीला करके इसमें डालिएगा, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से ये चिपकता है। चीनी, ग्लूको लिक्विड, और ये अब हम घी डाल रहे हैं इसके अंदर। ये इसके अंदर आप घी कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑयल से नहीं बनता, घी से ही बनता है इसमें। और इसमें देसी घी डालें तो उससे ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा इसका। 2 टेबलस्पून हम इसमें इलायची पाउडर डाल रहे हैं, छोटी इलायची पाउडर। 2 टेबलस्पून ही हम इसमें कोको पाउडर डाल रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम और मज़ीद डालेंगे इसके अंदर कोको पाउडर। कोको पाउडर सिर्फ कलर के लिए डाला जाता है। कोको पाउडर हमने अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर डालना है, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो, वरना हल्की क्वालिटी का कोको पाउडर होगा तो उससे इसका टेस्ट में कड़वाहट आ जाएगी। अब हमने इसको तकरीबन 1.5 घंटे तक ये तकरीबन पकेगा, इसका पानी खुश्क होने होगा। और इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते ना, अब ये नीचे लगेगा नहीं जब तक इसमें पानी है। इसको बनते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, और देखें कलर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा आया है इसका। अब जैसे ही पानी इसका खुश्क होगा तो फिर हम आपको और मज़ीद दिखाएँगे कि कैसे ये भुनेगा। अब ये काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो गया, तो आज हमने बिल्कुल इसकी हल्की कर दी है, ना बहुत ज़्यादा, मीडियम टू लो फ्लेम है इसका। और ये देखें हम इसका बिल्कुल हल्का हल्के हाथ से हमने इसमें चम्मच चलाते रहने हैं अब इसमें, और बहुत आराम आराम से चम्मच चलाना है कि इसका दाना टूटे ना। अगर दाना टूट गया तो इसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी, और ये ना खीर की शक्ल अख्तियार कर लेगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा।
कि हमने इसमें फिटकड़ी इसीलिए डाली थी कि इसका दाना ख़त्म ना हो, लेकिन आपने अगर बहुत तेज़ तेज़ चम्मच चलाया तो उससे भी दाना ख़त्म हो जाएगा, और दाना ख़त्म हो गया तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, जो कि मुल्तानी सोन हलवे की होती है कि वो दानेदार होता है। इसका पानी और मज़ीद खुश्क हो गया है और ये अब ये भुनाई की तरफ आ रहा है। इसमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपने चम्मच चलाना है। मैं बार बार आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कह रही हूँ कि इसकी खूबसूरती सारी दाने से है। और इसमें देखिए अब ये तार भी बनना शुरू हो गया है, जो कि ग्लूकोज लिक्विड से बना है। ग्लूकोज लिक्विड अगर आपको कभी अचानक ऐसा हो कि ना मिले तो उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इस कंडीशन में आ जाए कि ये देखें इसके अंदर ये तार भी बन गया है। अब इसमें आके हमने 2 से 3 चम्मच घी के डालने हैं ताकि ये ठंडा होने के बाद इसके अंदर चमक पैदा हो जाए। ये चमक पैदा करने के लिए घी डाला जाता है आखिर में। 2 से 3 चम्मच बस काफ़ी होंगे इतने हलवे में। हमने चूल्हा बंद कर दिया है, अब इसके अंदर हम ये अखरोट डाल रहे हैं क्योंकि हम अखरोटी हलवा बना रहे हैं। ये चूल्हा बंद करके फिर डालेंगे अखरोट इसके अंदर। अब ये आपकी अपनी मर्जी है कितना आप अखरोट इसके अंदर डालना चाहते हैं। और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये एक मोल्ड है, इसके अंदर हमने ऑयल डाल के इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और नीचे बटर पेपर रख दिया है। गार्निशिंग के लिए हमने इसके अंदर ये नट्स लगा दिए हैं और ताकि इसके अंदर हम हलवा जमा सकें। ये हमारा मज़ेदार सा मुल्तानी सोन हलवा तैयार है। अब आप इसकी शाइनिंग देखें कितनी अच्छी आई हुई है। और अगर आपको कलर थोड़ा सा अगर डार्क लग रहा है तो कोको पाउडर थोड़ा सा आप इसमें कम कर सकते हैं, आधा चम्मच आप इसमें कम कर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।